Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Azad Ahmed from Kashmir, ये chapter है location of root of a polynomial equation. ये problem है if pz is equal to 4 times z to the power 5 plus 5 times z to the power 4 plus 6 times z to the power 3 plus 8 times z square plus 16 times z plus 19. Then show that all roots of p dash z is equal to 0 and p double dash z is equal to 0 lies in the index z modulus less than 1. एक pz फंक्शन एक pz पॉलीनोमियल दे रखा है यहाँ पर और दो यहाँ पर इक्वेशन दे रखे हैं. ये pz के फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव हैं p डैश और p डबल डैश रिस्पेक्टिवली और ये इक्वेशंस हैं दोनों. इनके रूट्स को हमें शो करना है कि ये z इक्वल टू z मॉडुलस लेस देन 1 में इसके रूट्स सारे लाई करेंगे. What to do to solve these types of problem? We इस theorem को हम देखेंगे पहले. इस theorem का ही use होते हुए ये problem जो होंगी इस type की सारी problems solve होंगी. All the roots of polynomial equation pz is equal to एक ऐसी polynomial इस तरीके का है. ये polynomial equation दे रखा है a n z to the power n plus a n minus 1 z to the power n minus 1 एक एक पावर z की कम होती चली जा रही है और लगातार है. जे a 1 z plus और लास्ट में z की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म्स a नॉट है इज इक्वल टू 0. यहां पर a n minus 1 a n minus 2 एंड सो ऑन a 1 a नॉट ये सब कोएफिशिएंट्स हैं और ये सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं बता दिया गया यहाँ पर रियल हैं और सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं. तो उसी केस में हम ये अप्लाई कर सकते हैं और इसकी डिग्री देख रहे हैं. मैक्सिमम जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है पॉलीनोमियल की, वो एन है यहाँ पर. तब जो रूट्स लाई करेंगे जिस डिक्स में वो है जेड मॉडुलस लेस देन इक्वल टू टी. और टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो वेयर टी इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा ए जे अपान ए जे प्लस वन, जहाँ पर जे की वैल्यू ज़ीरो से लेके एन माइनस वन तक होगी. तो यहाँ पर हमें ये खास तौर से ध्यान देखना है, कोएफिशिएंट को ध्यान रखना है, रियल होंगे और पॉजिटिव होंगे. हम देख रहे हैं कि हमारे जो पॉलीनोमियल दे रखा है और जो ये पॉलीनोमियल इक्वेशंस जिनके रूट्स निकालना है ख़ास तौर से इन्हीं के निकालना है हमको, तो इनके भी अभी हम लोग जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि इनके भी जो कोएफिशिएंट हैं सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे. जिस तरीके से पी जेड के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं और साथ साथ रियल हैं, और क्योंकि जब हम पी डैश जेड निकालेंगे और पी डबल डैश जेड निकालेंगे तो इसके कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी रहेंगे और साथ ही साथ रियल भी रहेंगे, कॉम्प्लेक्स आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो जब फाइंड करेंगे तो देख लेंगे कि इनके कोएफिशिएंट सारे के सारे पॉजिटिव होंगे. जैसे कि इसके देखने पॉजिटिव हैं, कोई भी निगेटिव नहीं है और सारे के सारे रियल हैं. तो फिर ऐसे पॉलीनोमियल इक्वेशंस के रूट्स किस डिक्स में लाई करेंगे तो उसको हम इस थ्योरम से जो कि अभी हमने दिखाया था इसका यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं. तो जिस पॉलीनोमियल इक्वेशन को यहाँ पर हमें पी जेड के फाइंड नहीं करनी है. ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें पहले तो हमें पी जेड वो पॉलीनोमियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा जिसके हमें रूट्स फाइंड करना है. तो उसको निकालने के लिए यानी पी डैश जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो गिविन वैल्यू है पॉलीनोमियल की वो देख लेते हैं. 4z की पावर 5 ये एक सिर्फ पॉलीनोमियल है. इस पॉलीनोमियल का यूज़ करते हुए हमें जिन पॉलीनोमियल इक्वेशंस के रूट्स निकालना है वो इसी से निकल आएंगे, क्योंकि वो है पी डैश जेड है जिसका दो निकालना उनमें से एक है पी डैश जेड जिसके हमें रूट्स के बारे में बताना है कि किस डिस में लाई करते हैं. तो ये पी डैश जेड का मतलब होगा कि जेड जिसका ये फंक्शन है पी जेड यानी जेड का फंक्शन है, तो जेड के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसीशन किया जाएगा और उसको ज़ीरो के बराबर पुट करके इक्वेशन बना दिया जाएगा, फिर उसके रूट्स के बारे में कहेंगे. पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो जेड के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर का आगे इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20z की पावर 4 प्लस ऐसे इसका इधर इंटू हो जाएगा पावर
आगे आ जाएगी, तो 20z की पावर 3 प्लस इस तरीके से इसमें इंटू हो जाएगा, तो 18z² हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में, जिसमें पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है। प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा 16z हो जाएगा प्लस का 16, और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरीके से P'Z=0, ये हमारा पॉलीनोमियल इक्वेशन है। और इसके हम थ्योरम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कोफिशेंट्स चेक करें, सारे के सारे पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ रियल हैं, तो हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा ए नॉट यहाँ से शुरुआत आती है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो उसमें हमको ज़रूरत होती है टी की ज़रूरत होती है, और टी की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम हमें फाइंड करना होगी। वहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि फार्मूला दे रखा है ए जे अपान में ए जे माइनस जे प्लस वन, तो ए जे अपान ए जे प्लस का वन, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिलहाल हम डिटेल में इसको बताते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इनमें से, ए जे का मतलब जे की वैल्यू जबकि 0 से लेके एन माइनस वन तक होगी, तो हमारे सबसे छोटी वैल्यू जे की रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 यहाँ रखा तो ये 1 हो गया, ऐसे फिर 1 रखेंगे तो 1 रखा गया, तो ए वन अपान में 1 रखने पर ये 2 हो गया, और हमें रखना है 4 तक रखनी है, 4 से कम तक रखनी है, क्योंकि जे माइनस जे की वैल्यू जो है वो एन माइनस वन तक है, यानी हमारा एन की वैल्यू यहाँ पर 4 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 है, तो एक कम रखनी होगी, यानी 3 तक रखनी होगी। तो जब हम यहाँ पर 1 रख चुके हैं, आपकी 2 वैल्यू रखेंगे तो ए टू अपान में ए थ्री मिलेगा, फिर हम 3 रखेंगे तो ये ए 4 हो जाएगा, तो 3 तक ही रखना थी, यहाँ पर 3 रखा तो ये 4 हो गया। अब इन जो कोफिशेंट हैं हमारे, उनको उनकी वैल्यू रखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी मैक्सिमम फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए नॉट हमारा 16 है, ए वन की वैल्यू भी 16 है, और यहाँ पर ए वन की वैल्यू ये 16 है, ए टू की वैल्यू 18 है, और फिर ए टू की वैल्यू 18 है, और ए थ्री की वैल्यू 20 है, और इसी तरीके से ए थ्री की वैल्यू 20 है, और ए फोर की वैल्यू भी 20 है, जिसको देख रहे हैं कि सॉल्व करने पर ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, ये वैल्यू भी न्यूमरेटर में कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये वैल्यू भी 1 के इक्वल है, यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से लें या यहाँ से लें जो कि 1 के इक्वल है। इस तरीके से हम इस थ्योरम का यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि टी की वैल्यू जो हमें मैक्सिमम 1 के इक्वल मिल गई है, तो ये इसके रूट्स जो होंगे इस डिक्स में होंगे, जेड का मॉडल लेस देन इक्वल टू 2, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा इस पॉलीनोमियल जो कि P'Z=0 था, उसके जो रूट्स होंगे वो जेड मॉडल्स लेस देन इक्वल टू 1 में होंगे, ये हमें प्रूव भी करना था। तो आधा पार्ट क्वेश्चन का हो चुका है। अब हमें जिस पॉलीनोमियल के बारे में, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं सारे रूट्स जो हैं वो इस डिक्स में होंगे, और इसके बारे में डिटेल में बता देंगे, फिलहाल हम रफली इसको फिगर को प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ये जेड, और ये एक सर्किल जिसकी रेडियस 1 होती है, उसके अंदर सारे पॉइंट्स होते हैं, और इसके रूट्स भी जो होंगे वो सब यहाँ पर हमको मिल जाएंगे, इसके अंदर ही मिल जाएंगे, ये हमें प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट में हमको बताना है कि जो P"', यानी ये क्वेश्चन का रिपीट ही है, रिपीटेशन है, दो एग्जांपल हो गए अलग अलग पॉलीनोमियल, इन्होंने एक ही क्वेश्चन में दो दे रखे हैं ऐसा समझ लें, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉलीनोमियल बनाना भी है, क्योंकि P'Z=0 इस पॉलीनोमियल के बारे में, पॉलीनोमियल इक्वेशन के बारे में, यानी इसके रूट्स के बारे में बताना है कि इसी डिक्स में होंगे, इसी डिक्स के अंदर ही होंगे, तो इसी थ्योरी का दोबारा से अप्लीकेशन हो जाएगा, और उसके लिए हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू ऐसे मिलेगी कि हम जो डिफ्रेंशिएट कर चुके थे एक बार P'Z को, यानी P'Z आया, उसको दोबारा से हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके एक पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाए, तो पीछे से हम वैल्यू यहाँ से नोट करके इस वैल्यू को लिख देंगे, जो थी 20z की पावर 4 प्लस का 20z की पावर 3, इसके बाद ये वैल्यू दे रखी थी 18, 16, 16, तो
प्लस का 18, 18 जेड स्क्वायर प्लस का 16 जेड प्लस का 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अगेन जेड के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करें तो पावर आगे जाती है, जो कि ये 80 हो जाएगा, जेड की पावर 3 हो जाएगा, इसमें पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी 60 जेड की पावर 2 प्लस का ये 36 जेड जेड प्लस का 16 इंटू जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया है। और ये जो थ्योरम अभी बताई थी उसमें देख रहे हैं कि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ रियल हैं, कोई भी आई यहाँ पर आके से कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नहीं बना रहा है। तो हम इस थ्योरम को अगेन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हमारे एफ कोफिशिएंट ये ए नॉट होगा, ए वन होगा, ए टू होगा और ए थ्री होगा। और यहाँ पर n की वैल्यू चूँकि 3 है इस इक्वेशन के लिए और इसलिए हम j की वैल्यू 0, 1 और 2 तक ही यहाँ पर रख पाएंगे। और हमें मालूम है ये इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू t में होंगी और t की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाएगी। जब t की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर देंगे और बता देंगे रूट सारे रूट इस डिक्स में लाई करेंगे। तो t की वैल्यू जो है मैक्सिमम जो होगी वो फार्मूला उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस कोफिशिएंट को डिवाइड कर दें इस वाले कोफिशिएंट से, यानी 16 को डिवाइड करें 36 से, इसी तरीके से फिर 36 को डिवाइड करेंगे इस 60 से, फिर डिवाइड करेंगे 60 को इस 80 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम इस वैल्यू को देखेंगे इनमें मैक्सिमम कहाँ से वैल्यू हमको मिल रही है। तो इसको तो कैंसिल किया जा सकता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 अपान में 4 आ जाएगा और वैल्यू को भी कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो 4 अपान में 9 आ जाएगा, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 40 हो गया ये और इस तरीके से 0.4 और समथिंग आएगा। तो रफली हम यहाँ पर इतने छोड़ देते हैं इसको क्योंकि हमें बस पता करना कौन में से कौन मैक्सिमम है, कौन से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 0 से तो पॉइंट लग जाएगा और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 10 है नीचे और जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 एग्जैक्टली आ रहा है और 3/4 की वैल्यू को जानते हैं हम लोग 0.75 होता है और इन तीनों में जो सबसे वैल्यू बड़ी आ रही है वो 0.75 हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये पता चल गया, यानी ये वैल्यू थी 3/4 की वैल्यू थी, ये पता चल गया ये हमारे जो ये डबल डैश पी डबल डैश वाले जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू टी की वैल्यू 3/4 आई इसमें होंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन जो होती है वो 1 के भी इक्वल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यानी ये जेड इसके रूट्स जो हैं पॉलीनोमियल अभी जो दे रखा पी डबल जेड डैश उसके रूट्स भी इसमें होंगे। क्योंकि जो देखिए ये रूट्स जो होंगे अगर इसकी वैल्यू को 1 लिया जाए, इसकी वैल्यू को 0.75 लिया जाए, मीन्स 3/4 लिया जाए, तो जो रूट इस सर्कल में होंगे वो इस 1 वाले यानी यूनिट सर्कल के अंदर भी होंगे, जो इसमें होंगे वो यूनिट सर्कल के अंदर भी होंगे। तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये प्रूव करना था वो हो चुका है कि सारे रूट्स इस जेड मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 में होंगे। अब यहाँ पर इस यूनिट सर्कल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि जेड इज इक्वल टू था एक्स प्लस आई वाई, अगर समझ में आ गया तो छोड़ सकते हैं, आगे देखना चाहे तो देख लें। जेड का मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका अगर हम होल ऑफ स्क्वायर करते हैं तो या इसकी वैल्यू को हम लोग जेड मॉडुलस इक्वल टू इस तरीके से 1 रखते हैं तो ये इस जेड मॉडुलस की वैल्यू एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के स्क्वायर आ जाएगा। ये वो सर्किल होता है जिसका सेंटर 0,0 होता है, जिसकी रेडियस यहाँ पर देखें कि 1 के इक्वल होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें ये रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस बाई एक्सिस होता है, ये सेंटर 0,0 है और 1 रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रा कर देंगे। तो ये सर्कल के ये जेड इक्वल टू 1
जेड का मॉडल इक्वल टू वन एक सर्किल को डिनोट करते हैं, तो सारे रूट्स चाहे वो रियल या कॉम्प्लेक्स जैसे भी होंगे वो इस पर ही होंगे। रियल रूट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और इमेजिनरी रूट्स यहाँ पर मिलेंगे, और यानी प्योरली जो कहना चाहिए कि इमेजिनरी होंगे वो यहाँ मिलेंगे, प्योर रियल यहाँ मिलेंगे, और सारे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।